फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो मीनिंग क्या हो गई फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू द इफिशियंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मनी फंड्स इन सच अ मैनर एज टू अकिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हो गया अब नाम ही सजेस्ट कर रहा है मैनेज करना है किसको फाइनेंस को मैनेज करना है ओके okay, तो जो भी फंड्स होते हैं जो भी मनी है या जो भी फंड्स हैं उनको इस तरीके से मैनेज किया जाए इस तरीके से हैंडल किया जाए इफ़िशेंटली और इफेक्टिवली कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो एकम्प्लिश हो सके दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओके इट इज़ मेनली कंसर्न विद द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेम ही बता रहा है कि फंड्स की मैनेजमेंट करना अब मैनेजमेंट क्या होती है मैनेजमेंट हमें जानते हैं मैनेज करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं ऑर्गेनाइजिंग करते हैं कंट्रोलिंग करते हैं डिसीजन मेकिंग करते हैं ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं इसका मतलब कि फंड को मैनेज करने के लिए हमें ये सारा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा लेट्स सी इट कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न विद द प्लानिंग रेजिंग कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स बाई अ बिजनेस मीन्स बिजनेस में जो भी फंड लगने वाला है उसको बहुत अच्छे से प्लान करना कैसे कैसे रेज करना है कहाँ से फंडिंग लानी है उन फंडिंग को कैसे कंट्रोल करना है एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है मैनेज कैसे करना है इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं ऐसा गटमैन एंड डगल ने कहा हुआ है इट इट इन्वॉल्व प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ़ फंड्स इन द बिजनेस इसमें क्या इन्वॉल्व होता है प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ़ फंड्स फंड्स को प्रोक्योर करना एक्वायर करना कहाँ से फ़ंड आएगा एंड यूटिलाइज करना जो पैसा लाया उसको कहाँ यूटिलाइज करें किस तरीके से इफेक्टिवली हम यूटिलाइज करें कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए तो ये हमारा मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो अगर मैं नॉर्मली कहूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फ़ंड मैनेजमेंट ऑफ फ़ंड मीन्स उसको प्लान करना ऑर्गेनाइज करना कंट्रोल करना एडमिनिस्टर करना रेस करना कि फ़ंड को कैसे कैसे मैनेज करना है दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट राइट इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात कहें तो सबसे important बात इम्पॉर्टेंट बात होती है प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हमारे पास एक डेफिनेशन भी है जो एम सी कुचल ने दी थी सी डेफिनेशन देखते हैं हम एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या डील करता है फंडस की प्रोक्योरमेंट और उसका इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज करना कहाँ पर बिजनेस में वही क्या कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू ए तो ये देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छा ओके फाइनेंशियल मैनेजर फिर जो ये करता है वो कौन होता है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजर एक बार से देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजर कौन हो गया फाइनेंशियल मैनेजर रिफर्स टू एनी वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन कोई भी पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस लिए रिस्पॉन्सिबल है अकाउंटिबल किस लिए है कि जो इन्वेस्टमेंट करना है या फिनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है मीन्स हम कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ इन्वेस्ट ना करें किस प्रोजेक्ट में पैसे लगाएं या फिर हम पैसे फंड्स को कहाँ से रेस करें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से शॉर्ट टर्म सोर्सेज से कहाँ से रेस करें ये इन सारी चीज़ों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ फिनंशियल मैनेजर तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट एंड यूटलाइजेशन ऑफ फंड किस लिए बिजनेस मैन और जो पर्सन ये करता है जो पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजर स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस फाइनेंस एक्चुअली कहीं कहीं से बिजनेस फाइनेंस टर्म से भी डिनोट किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अब स्कोप मीन्स क्या हो गया वो एरिया जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर करते हैं मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से चीज़ों को कवर किया जाता है क्या क्या देखा जाता है राइट right? अब जैसे पहला क्या हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है प्लानिंग की जाती है और कंट्रोलिंग किसकी फिनंस की कि कहाँ से हमको रीस करना है कैसे पैसे मैनेज करना है कैसे कैसे हमें प्रोसीजर अप्लाई करना है अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को, को अचीव करने के लिए और जहाँ हमें रिक्वायरमेंट हो हम वहाँ पर उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें रिलेटेड टू फिनेंस लाइक जहाँ हमें फ़ंडिंग ज़्यादा चाहिए हम वहाँ ज़्यादा फंडिंग करें हमें फंडिंग को कम करनी है तो हम वहाँ पर भी मेरा कंट्रोल हो कि हम फंडिंग को कंट्रोल कर सकें तो ये चीज़ भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर करते हैं सेकेंड इज़ एनालिसिस एंड रिसर्च ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस कंसर्न के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब उसका बैलेंस शीट पीएल ट्रेडिंग ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती हैं तो उनकी एनालिसिस करना उस पर रिसर्च करना ये भी हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप पे आता है कि हमारे में कैपिटल कितनी दिख रही है रिजर्व क्या दिख रहा है एसिस कैसे दिख रहे हैं उनको ज़्यादा करना है तो किस तरीके से किया जाएगा या कम करना है तो कैसे किया जाएगा कैपिटल में हमारा डेप्ट का पोर्शन क्या है इक्विटी जो कुछ भी है वो सारा एनालिसिस एंड रिसर्च भी हम इसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में देखते हैं नेक्स्ट इज वॉट कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट वॉट इज कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट अब देखिए स्ट्रक्चर मतलब क्या हो जाता है स्ट्रक्चर uh, ढांचा किसी चीज़ का ढांचा है ना जैसे जिस 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 चीज पर वो फ्रेम हुआ हो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल जैसे फ्रेम हुई हो अब कैपिटल कैसे फ्रेम होती है या तो शेयर कैपिटल होगी शेयर में भी या इक्विटी प्रेफरेंस होगी या आपके क्या होगी डेप्ट होगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डील करते हैं कि क्या प्रोपोर्शन हम डेप्ट का रखें क्या प्रोपोर्शन हम इक्विटी का रखें इक्विटी में भी हम कितना प्रोपोर्शन प्रेफरेंस का रखें कितना नॉर्मल इक्विटी का रखें हम रिटेन अर्निंग का पैसा कैपिटल में रखें या नहीं रखें मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये कैपिटल हमारी कैसे डिसाइड होगी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कैपिटल दिख रही है वो किन किन उसमें किन किन चीज का प्रोपोर्शन होगा डेप्ट का कितना होगा इक्विटी का कितना होगा ये सब बातें हम इसे कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं और ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप हो जाता है नेक्स्ट इज और रेजिंग कैपिटल हम कैपिटल कहाँ से रेज कर करेंगे लॉन्ग टर्म शॉर्सेज से कैपिटल रेज करेंगे शॉर्ट टर्म सोर्सेज से रेज करेंगे लॉन्ग टर्म करेंगे तो शेयर वगैरह जाएगा शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो हम लीजिंग हायर परचेजिंग फैक्टोरिंग या किसी भी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से हम पैसा पब्लिक डिपॉजिट इन सब चीज़ों से एफ वगैरह इन सबसे हम पैसे रेज करते हैं तो रेजिंग ऑफ कैपिटल कैपिटल कहाँ से रेज करना है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सोर्सेज से इन्वेस्टिंग कैपिटल हम जो पैसे रेज कर रहे हैं वो कै उसे हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे मींस हम लाइक बिजनेस है तो बिज़नेस में प्रोजेक्ट्स ले रहे होंगे तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमें अपनी कौन सी प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए ज़्यादा रिटर्न दे रही है हम सारे प्रोजेक्ट का एनालिसिस करते हैं तो हम डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ हमें कैपिटल लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करनी है या कैपिटल शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट करनी है हमें वर्किंग कैपिटल के लिए काम करना है या हमें फिक्स कैपिटल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये डिसीजन भी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में आ जाता है देन इज़ वॉट मैनेजिंग एंड मोनिटर फाइनेंिस एंड रिस्क ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर उस कैपिटल को रेज करना इन्वेस्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करना और प्लानिंग ही नहीं करेंगे बल्कि बिजनेस में जो भी रिस्क हैं फिनेंस से रिलेटेड हम उस रिस्क को भी यहाँ पे देखते हैं अब जैसे रिस्क इन द सेंस सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक दोनों तरीके के रिस्क हो सकते हैं तो हमें क्या होता है बीटा रिस्क के थ्रू से डिवोट किया जाता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं फाइनेंस में इन रिस्क का एनालिसिस करते हैं कि कितना पोर्शन रिस्क का है हम रिस्क की प्रोबेबिलिटी को काउंट करते हैं तो उसकी भी कैलकुलेशन होती है तो वो काम भी हम इसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में करते हैं नेक्स्ट इज वॉट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपको पता है कि हर बिजनेस में एक्चुअली दो तरीके से कैपिटल एक फिक्स कैपिटल होती है दूसरी वर्किंग कैपिटल होती है वर्किंग कैपिटल मीन्स कौन सी कैपिटल जो डे टू देट डे बिजनेस को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है डे टू डे बिजनेस की रनिंग में जो कैपिटल नीडेड होती है दैट इज़ वर्किंग कैपिटल तो कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कितना फंड इसमें लगाना है ये सारी मैनेजमेंट भी इसी के स्कोप में आ जाती हैं देन डिविडेंड मैनेजमेंट फंडिंग है फिनांस है तो पैसे आ रहे हैं तो पैसे जाएंगे भी तो हमें अपने शेयर

साथ ही हम भी देखते हैं कि ठीक है मैनेजमेंट क्या क्या-क्या हो हो गया हो गया मैनेजर कौन वो क्या -क्या स्कोप उसका होता है इस पूरे हम क्या -क्या देखते हैं, स्कोप देख लियालॉर्टेंट क्यों भी हम देखते हैं तो देखिए इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपोर्टेंट है टू प्रमोट सेल्स क्यों क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट में हमें क्या लगाना है कैसे उनकी पैकेजिंग का काम करना है सेल के लिए हमें क्या आइडियाज़ लगाने हैं क्या पॉलिसीज फ्रेम करनी है ये सारे डिसीजन जो हम लेंगे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर हो जाते हैं तो इसलिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं मैनेजमेंट करते हैं तो उससे हमारी सेल्स भी प्रमोट होती है टू मिट कंटीजेंसीज और वैसी बात है कि अगर हम फाइनेंस फंडिंग अच्छे से रखेंगे उसको मैनेज करके रखेंगे तो किसी भी अनसर्टेन सिचुएशंस के लिए हम रेडी रहेंगे पर अगर हम मैनेज Even सही नहीं रखेंगे अपने फंड्स की तो हम कंटीजेंसीज को मीट आउट नहीं कर पाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए टू मीट कंटीजेंसीज टू अवेल ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अगर आपके पास फंडिंग अवेलेबल है तो ही अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी दिखी दिखी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे बट सपोज आपके पास फंडिंग नहीं है और शॉर्टेज है फंड्स की इन दैट केस आप क्या करेंगे आप जान रहे ये अपॉर्चुनिटी है पर आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि पास आपके पास आपके क्योंकि आपके पास फंडिंग नहीं है तो, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि हम मैनेज अच्छे से करें और हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर पाए और क्यों इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो भी रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से एलोकेट कर सके और अच्छे से यूटिलाइज कर सके जिससे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके तो ये सब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से हो पाता है एंड द लास्ट इज बेसिस ऑफ प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल तो ये सब भी चीजें क्या हो गई प्लानिंग करना कोऑर्डिनेट करना कंट्रोल करना ये सब में हेल्प करता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो ये कुछ एग्जॉस्टिव लिस्ट है ये हम नहीं कहेंगे कि ये कॉन्क्लूड इतनी ही होते हैं इंपॉर्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं पर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है कि ये जो चीज़ें आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस को बढ़ाते हैं टू प्रमोट सेल्स टू मीट कंटीजेंसीज टू अवेल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स बेसिस ऑफ प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल फाइनेंशियल गोल्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर्स का अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होता है उनके गोल्स क्या होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक फिनैंशियल मैनेजर्स के जो फाइनेंशियल गोल्स या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या ऑब्जेक्टिव होते, है, होते हैं वो मेनली दो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन राइट ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं तो हम इन्हें डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नेम सजेस्ट कर रहे हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ज़्यादा करना बढ़ाना प्रॉफिट पे फोकस करना राइट right? तो क्या है हम यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस कंसर्न राइट right? हम ट्रेडिशनली ये चला आ रहा है कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो सबसे पहले इसी बात पे फोकस करता है कि वो जो बिज़नेस शुरू कर रहा है उसमें उसको बहुत प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट क्या होता है इम्पॉर्टेंट तो है ही है प्रॉफिट इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड स्टैंडर्ड फॉर मेज़रमेंट ऑफ एफिसियंसी हम ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता क्यों है क्यों क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक स्टैंडर्ड है अब हम बिजनेस कर रहे होते हैं अगर बिज़नेस में प्रॉफ़िट हो रहा होता है तो हम ये मानते हैं कि हाँ मैं तुम आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से चल रहा है एफिशियंटली चल रहा है वो अच्छा वर्कआउट कर रहा है तो हम ये क्या कहते हैं बेंच मार्क रखते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा है तो मीन्स बिजनेस अच्छा है चल रहा है तो ये एक स्टैंडर्ड होता है एफिसंसी को मेज़र करने के लिए कि आप कितने इफेक्टिवली कितने इफ़िशेंटली कितने आप काम कर रहे हैं नेक्स्ट सो दिस इज़ अ नेचुरल ऑबेक्टिव दैट द प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइज या ऑब्वियसली नेचुरल ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना ही कमाना है हर एक छोटा इंसान भी कुछ भी शुरू करता है तो वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसे प्रॉफिट कमाना है रीज़न क्या होता है ऐसा हम सोचते क्यों हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होनी चाहिए तो हर एक इंसान सोचता है तो फाइनेंशियल मैनेजर भी सोचते हैं बिजनेस में तो ये ऐसा क्यों सोचते हैं क्या रीज़न है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज जस्टिफाइड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड हम इस ग्राउंड पर इसको जस्टिफाई करते हैं कि हाँ प्रॉफिट को मैक्सीमाइज़ करना चाहिए क्या है रेशनेलिटी ओबली अगर प्रॉफिट रहेगा तो हम चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं रेशनली उसका यूज़ कर पाएंगे नेक्स्ट इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट अगर आपके बिज़नेस कंसर्न या जो भी आप वर्क कर रहे हो अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो जितने भी सोशल बेनिफिट्स हैं लाइक एंटरटेनमेंट के लिए जो कुछ भी है या हेल्थ के लिए कोई चीज़ फैसिलिटीज़ हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं आप हर एक फ़ैसिलिटीज़ को जो भी सोशल फैसिलिटीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से अवेल कर पाओगे क्योंकि हर चीज़ क्या मनी के टर्म्स में मेज़र की जाती है तो अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो आप हर सोशल बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज़ यूज़ कर पाओगे एफिशेंट एलोकेशन एंड यूजेज ऑफ रिसोर्सेज़ अब अग, अब अगर आपको पता है कि प्रॉफिट है हो रही है तो आप समझ पाओगे कि हाँ मैंने यहाँ यूज़ किया इन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ किया तो हमें प्रॉफिट हुआ सपोज़ अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप क्या समझोगे कि मैंने जो ये इन्वेस्टमेंट किया है या मैंने रिसोर्सेज जहाँ पे यूज़ किया है हमें यहाँ से सही रिजल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि मेरी प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है हमें इसको कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए तो प्रॉफिट के बेसिस पे हम क्या कर पाते हैं अच्छे से रिसोर्सेज को एलोकेट कर पाते हैं उसको अच्छे से यूज़ कर पाते हैं क्योंकि ये एक जस्टिफेबल ग्राउंड हो जाता है हमारे लिए कि प्रॉफिट सही है तो इसका मतलब हम रिसोर्सेज को सही से यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट मेज़रमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ अ बिजनेस डिसीज़न ऑब्वियस सी बात है हम बिज़नेस डिसीज़न हमेशा ले रहे होते हैं पर मेरा बिज़नेस डिसीज़न सही है या नहीं है इस बात को कौन मेज़र करेगा इस बात को भी प्रॉफिट मेज़र करती है अगर मैंने कोई डिसीज़न लिया जिसमें मैंने कहीं एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया और उस प्रोजेक्ट से अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो हम ये मानते हैं कि करेक्ट मेरा डिसीज़न कैसा था बिल्कुल सही था पर अगर हम उसमें प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाए तो हम समझते हैं कि हमने जो भी बिज़नेस बिजनेस डिसीजन लिया वो सही डिसीजन हमारा नहीं था तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी जरूरी है इसलिए भी क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारा डिसीजन सही था या नहीं था इट्स एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ऑब्वियसली अगर कंपनीज या बिजनेस कंसर्न्स प्रॉफिट अर्न कर रही हैं कंटिन्यूसली तो इकोनॉमिक की ग्रोथ हो रही होती है हम ये मान रहे थे कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो ये एक इंडिकेटर है एफिशिएंसी का सोर्स ऑफ इंसेंटिवस करेक्ट बहुत सारे इंसेंटिवस जो मेड इन टर्म्स ऑफ मनी होते हैं जो हमने इम्प्लॉइज़ को दे रहे होते हैं प्रॉफिट अर्न करने पे हम ये इंसेंटिवस डिवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पर अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था तो हम ये सब भी नहीं कर पाते तो इंसेंटिवस जो प्रोवाइड करना उसके लिए भी ये एक सोर्स हो जाता है प्रॉफिट हुआ है तो हम इंसेंटिवस देंगे प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम इंसेंटिवस नहीं देंगे हम एच में ये चीज़ें देखते हैं कि एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए हम इंसेंटिवस प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि अगर आपने अच्छा वर्कआउट किया हमें इतना प्रॉफिट मिला तो हम आपको इंसेंटिवस देंगे कमीशनस वगैरह जो प्रोवाइड किए जाते हैं ये इन सब चीज़ों में हम नॉर्मली देखते हैं तो ये सब डिपेंड करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में तो ये सारे ऐसे ग्राउंड हैं जिनके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि हाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक अच्छा ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है एक फिनेंशियल मैनेजर का ओके okay, तो ये तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया जो कि सबको पता है कि कुछ भी बिज़नेस शुरू करना है तो भाई प्रॉफिट तो करना करना है देन सेकेंड इज़ वॉट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अगर मैं आपको एक छोटे से टर्म में बोलूँ या बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूँ तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है क्यों क्योंकि इस साल आपको प्रॉफिट हुआ तो आपने क्या कहा कि हाँ भाई हमारा बिजनेस सही चला तो ये कैसा है ये शॉर्ट टर्म आपको दिखाता है पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म नहीं होता ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है तो अगर बीइंग अ फिनेंशियल मैनेजर मैं आपसे ये पूछूं कि एक फिनेंशियल मैनेजर्स के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं या उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए तो बट ऑब है कि उसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि वेल्थ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है हमें ज्यादा से ज्यादा अब पहले ये देखते हैं कि वेल्थ होता क्या है देन हम आप इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव वेल्थ को हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द फर्म अब देखिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ये जो टर्म्स हैं वो एक्जैक्टली मीन क्या कर रहे हैं क्या मतलब है इनका तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब हो गई कि जो फर्म की वैल्यू है फर्म की वैल्यू मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट में उसकी वैल्यू अगर एक कंपनी है जिसकी शेयर्स कोटेड है मार्केट में कोटेड हैं मीन्स कि शेयर इशूड हैं जो मार्केट में कोट किए जाते हैं स्टॉक मार्केट में रजिस्टर या उनकी प्राइसेज फिक्स की जाती हैं इन दैट केस अगर आपकी मार्केट में शेयर प्राइसेस ज़्यादा हैं तो हम ये मानेंगे कि आपके फर्म की वेल्थ क्या है अच्छी है जस्ट एन एग्जाम्पल हम एक शेयर के बेसिस पे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर आपके मार्केट में शेयर कोट किए जा रहे हैं और शेयर प्राइसेस हाई हैं तो हम मानेंगे कि आपकी वैल्यू क्या है फर्म की अच्छी है वेल्थ कैसी है फॉर्म की अच्छी है राइट तो द वर्ड वेल्थ और वैल्यू सिग्निफाइज द वर्थ ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी मार्केट प्राइस चल रही है शेयर्स की मल्टीप्लाई बाय योर नंबर ऑफ शेयर्स जो भी आपने इशूड किया है दैट इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन मींस कितना कैपिटल आपका है और उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है तो एक ओनर्स जो वर्ल्ड वेल्थ होती है जो वैल्यू होती है उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं कि बिज़नेस के जो ओनर्स हैं उनकी वर्थ कितनी की है उनकी वर्थ मींस उनके शेयर्स के प्राइसेस कितनी हैं उस बिज़नेस की मार्केट कैप कितनी है मार्केट कैप इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन तो जो मैंने आपको समझाया कि एक शेयर्स कोट किया जा रहे हैं तो मार्केट में अगर उसकी तो शेयर प्राइस हाई है तो हम ये मानेंगे कि हाँ उसकी वेल्थ भी अच्छी है अगर हम उसको उसका मार्केट कैप निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर इश्यूड ओके वैल्यू इंक्रीजेस बाय इन्वेस्टिंग पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट अब ठीक है हम ये तो मान गए कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए वैल्यू मैक्सिमाइज होनी चाहिए वैल्यू मतलब शेयर होल्डर्स की या ओनर्स की वर्थ को कहते हैं मार्केट कैप को कहते हैं करेक्ट पर हम कैसे इंक्रीज़ करें वैल्यू को कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है तो कहा जाता है कि अगर आप बिजनेस कंसर्न में हो आप एक फाइनेंशियल मैनेजर हो तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करो जो प्रोजेक्ट पॉजिटिव एनपीवी जनरेट कर रही हो ओके व्हाट व्हाट आई एम सिंग पॉजिटिव एनपीवी जनरेट कर रही हो ऐसे प्रोजेक्ट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो उस प्रोजेक्ट से वैल्यू क्या होती है वैल्यू इंक्रीज होती है करेक्ट तो फिर एनपीवी क्या होती है कैसे हम कहेंगे कि पॉजिटिव एन है तो एन मतलब क्या हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मीन्स कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट अब एक्चुअली मैं आपको पहले ये बता दूँ कि ये कैसा है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान देता है ये क्या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किस पे फोकस करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कैसे देखो एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी का फुल फॉर्म होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी आज आपने जो इन्वेस्टमेंट किया आज आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो प्रोजेक्ट में तो पैसा आज तुरंत लग गया दस लाख पंद्रह लाख बीस करोड़ एक करोड़ दो करोड़ जो भी जो भी पैसे लगने वाले हैं वो आज एक साथ आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हो जाने वाले हैं राइट तो उनकी तो प्रेजेंट वैल्यू होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो आपके पास से पैसे जाने वाले हैं कैश आउटफ्लो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसकी कॉस्ट ठीक है ये तो मैं पता है लेकिन उन प्रोजेक्ट से जो पैसा आता है वो तुरंत तो आ नहीं जाता है कि मैंने आज पंद्रह करोड़ रुपए लगा दिए और नेक्स्ट ईयर से मुझे पूरे पंद्रह करोड़ या बीस करोड़ या तीस करोड़ मुझे रिटर्न हो गए जो भी केस हो लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि प्रोजेक्ट में पैसा मार्च लगाए और हमें तुरंत पैसे में हमें रिटर्न भी मिलना शुरू हो जाता है रिटर्न हमें पैसा लगते एक साथ है पर रिटर्न हमें एक साथ नहीं मिलता है वो हमें जैसे एक ईयर ये, फर्स्ट ईयर कुछ मिला सेकेंड ईयर कुछ मिला थर्ड ईयर कुछ मिला प्रोजेक्ट की जितनी लाइफ होगी उतने ईयर्स हमें पैसे आते रहते हैं और हम उस लास्ट ईयर में ये कैलकुलेट करते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ पर प्रोजेक्ट लगाने से पहले ही तो हमें डिसीजन लेना है कि इसमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा तो उसके लिए हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं हम कैसे करते हैं कि हम ये देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी टी वी एम जैसे कहते हैं कि आज जो पैसा आप लगा रहे हो आज वैल्यू ज़्यादा होगी आपको पता होगा इन्फ्लेशन की वजह से जो मनी की वैल्यू होती है वो डे बाई डे डिक्रीज़ करती जाती है प्राइसिज राइज करते हैं और वैल्यू क्या हो जाती है डिक्रीज कर जाती है जो चीज़ आज आप दस रुपये में खरीद रहे हो वही चीज़ आप दो साल बाद या एक साल बाद पचास रुपये में खरीदते हो तो क्या हो गया मनी की जो वैल्यू मनी की जो पावर थी वो कम हो गई और प्राइसेस राइज कर जाते हैं तो हम क्या करते हैं ये पूरे ईयर्स में जो पैसे हमें आने वाले हो उनके उनको क्या करते हैं आज की डेट पे काउंटिंग करते हैं कि जो पैसे में दस साल बाद मिलने वाले उसकी वैल्यू आज के दिन में क्या है तो दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो फ्यूचर में जो कैश हमें आने वाला है उसकी आज क्या वैल्यू है तो टोटल अगर बीस साल का ये प्रोजेक्ट है बीस साल में इनफ्लो होगा तो बीस साल में मुझे कितने पैसे आएंगे उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू होगी उसमें से हम जो पैसा लगा रहे हैं उसको माइनस कर देंगे अगर ये हमारा पॉजिटिव आया दैट इज़ कॉल्ड एनपीवी अगर ये पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या होगा कि इनफ्लो आपको ज़्यादा मिलने वाली है तो ठीक है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं अगर ये नेगेटिव आया मतलब आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है और इनफ्लो हमारा कम रहने वाला है तो हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे दैट इज़ नेगेटिव एनपीवी राइट right? तो इन दैट केस हमें क्या करना है हमें ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जिसमें हमें कैसे क्या मिलने वाला हो पॉजिटिव एनपी भी जनरेट वाली होने वाली हो मतलब फ्यूचर में जो भी कैश इनफ्लो हमें आने वाला है उसकी आज की वैल्यू क्या हो ज़्यादा हो किससे ज्यादा हो जो हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हो ओके okay? तो क्या हो जाएगा वैल्यू मैक्सिमाइज होगी वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी मतलब वर्थ मैक्सिमाइज होगी वर्थ मैक्सिमाइज होगी मतलब कंपनी की शेयर कैप इजेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी कंपनीज की वर्थ इंक्रीज होगी करेक्ट सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द फॉर्म एंड टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ बिजनेस ऑपरेशन शुड बी कंडक्टेड इन सच अ वे एज टू इंश्योर मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू दैट इज एन पी वी ऑफ शेयर होल्डर्स तो फाइनेंशियल मैनेजर्स का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इस तरीके से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि पॉजिटिव एनपीवी जनरेट हो शेयर होल्डर्स की वैल्यू शेयर होल्डर्स की वर्थ इंक्रीज हो और आपके फॉर्म की वेल्थ इंक्रीज हो करेक्ट दिस दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब मनी के टाइम के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू चेंज होती है इसी पे ये थ्योरी आपकी बेस्ड है जैसे मैंने बताया कि वन टू थ्री फोर बहुत सारे ईयर्स में मिलना है तो उसकी वैल्यू हम आज काउंट करते हैं जो दस साल बाद के पैसे मिलने वाले उसकी वैल्यू आज क्या है ये हम काउंटिंग करते हैं दैट इज़ टाइम टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखा दूँ कि मान लीजिए कि आप कोई एफ डी में इन्वेस्ट कर रहे हो आज आपने एफ डी में एक लाख ,00 रुपये लगाए और आपको दो साल बाद वो क्या दे रहे हैं एक लाख ,00 दस हजार रुपये दे रहे हैं मान लो दस दस हज़ार रुपया दे रहे हैं तो ये दस हज़ार रुपये उन्होंने कुछ नहीं दिया क्यों क्योंकि आज जो आप एक लाख में खरीद लेते हैं, वही आप एक साल या दो साल बाद एक लाख दस हज़ार में खरीदोगे इट्स जस्ट इक्वल तो आपको क्या हुआ इवेलुएट करना पड़ता है कि एग्जैक्टली exactly आपको फायदा हो रहा है या नहीं फायदा हो रहा टाइम चेंज होता है इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी ओके दिस थ्योरी गॉड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस सभी इसको मानते हैं बिकॉज इट वॉचिस इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी सोसाइटी के हर सेक्शन चाहे वो इन्वेस्टर हो लेंडर्स हो बोवर्स हो जो भी हो हर सभी के इंटरेस्ट की बात कर रहा होता सभी के हित को ध्यान में देते हैं गिफ्ट डायरेक्शन टू द मैनेजमेंट ऑफ क्लियर डिविडेंट पॉलिसी अगर वेल्थ अच्छी है या जही है तो उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर पाते हैं अपने डिविडेंड पॉलिसी को कि कब उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है कब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, करना है कितना करना है कितना नहीं करना है वॉल्टर मॉडल गॉर्डन मॉडल एमएम मॉडल ये सारे बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनमें उन पॉलिसी को बताया गया है कि वैल्यू आपकी फ़र्म की इतनी है तो आप डिवाइड करो डिस्ट्री डिविडन डिस्ट्रीब्यूट करो नहीं है तो फिर क्या करो तो आप उनमें से कोई पॉलिसी ऑप्ट करते हो तो इसके बेस पे आप डिविडेंड की भी डिसाइड करते हो तो अगर अब अब आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि वेल्थ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है दोनों ही इंपॉर्टेंट है पर बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर सबसे ज़्यादा हमें फोकस किस पे करना चाहिए वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए अगर ऐसे अगर आप सोचो कि एक कंपनी है अब, अब मेरे से बोलोगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी वही बात हो गई वेल्थ भी वही होगी प्रॉफिट अर्न करेंगे तो वेल्थ तो मैक्सीमाइज़ होगी होगी पर आप डिसीजन इसके बेसिस पे नहीं ले सकते हो पूछो कैसे कि जैसे एक कंपनी है मान लो कि एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है राइट कंपनी ए की भी प्रॉफिट कितनी की हो गई फिफ्टी लाख की प्रॉफिट हो गई और कंपनी बी की भी प्रॉफिट फिफ्टी लाख की हो गई अब आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है कौन है इन्वेस्टमेंट कंपनी अब आप मुझे ये बताओ कि आप किसको इन्वेस्ट करोगे राइट दोनों के अगर आप प्रॉफिट को फोकस कर रहे हो तो दोनों के ही जो हैं फिफ्टी फिफ्टी लाख के प्रॉफिट है अब ए में इन्वेस्ट करो या बी में इन्वेस्ट करो तो प्रॉफिट को बेसिस बना के हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं प्रॉफिट तो दोनों का सेम है पर हम क्या देखेंगे वेल्थ देखेंगे क्या देखेंगे वेल्थ देखेंगे कैसे भाई बी की शेयर प्राइसेस क्या चल रहे हैं मार्केट में ए का मार्केट में क्या शेयर प्राइसेस चल रहे हैं बी की मार्केट कैप कितनी है ए की मार्केट कैप कितनी, कितनी है अब जिसकी अच्छी है इसका मतलब उसका सर्वाइवल रेट भी अच्छा होगा राइट अब ये तो आज पचास लाख मान लो ए को लेते हैं आज पचास लाख इन्होंने कमाया पर पिछले कई सालों में उनका प्रॉफिट फ्लैक्चुएट करता रहा है और ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आगे कैसा रहेगा पर बी का क्या है कॉन्स्टेंट प्रॉफिट चल रहा है उसकी मार्केट कैप बढ़ती जा रही है उसके अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट हैं तो बट ऑबैसे कि आप बी में इन्वेस्टमेंट करने की सोचोगे तो प्रॉफिट के बेसिस पे हम डिसीजन कभी नहीं ले सकते हैं दैट्स व्हाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर अ फाइनेंशियल मैनेजर तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है विश यू ऑल द बेस्ट कीप वाचिंग सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू